रिक्वेस्ट है अपना नाम और अपना परिचय किस मीडिया ग्रुप से है वो भी प्लीज बता दो। मैं सोमदर शर्मा दैनिक भास्कर से हूँ। मेरा ये सवाल था, मैं देख रहा था कि MOU जो साइन हुए हैं ज़्यादातर वो अपनी इंडिया की ही कंपनियां हैं, तो इंटरनेशनल कंपनियों पर आप कितना ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि आप बोल रहे हैं कि हम ग्लोबल सबमिट भी करेंगे, ग्लोबल रोड शो भी करेंगे, तो इसको लेके आपकी क्या तैयारी है? देखिए हमारी तैयारी है, अभी हमारे उद्योग मंत्री जी स्विट्जरलैंड होकर के आए हैं, आने वाले समय में भी हम कई जगह जाने वाले हैं। निश्चित रूप से जो हमारे इस तरह के इन्वेस्ट आएंगे उनको भी हम राजस्थान में आमंत्रित कर रहे हैं। राजस्थान से हूँ तो मेरा सौभाग्य है कि मैं आपसे बात कर रही हूँ, तो ये मैं जानना चाहूंगी। थैंक यू, बहुत अच्छा, और आप राजस्थान से हैं तो और अच्छा है, लेकिन मैंने अभी बताया मेरे उद्बोधन में कि राजस्थान में जो इन्वेस्टर जो चाहता है, क्योंकि हमें पता है कि वो उसको जब वो कहीं भी इन्वेस्टमेंट लगाएगा, उद्योग लगाएगा, तो उसके मन में कई कल्पनाएं होती हैं, और इसलिए मैंने मेरे उद्बोधन में कहा कि जो उनके मन में कल्पनाएं जो वो चाहते हैं, निश्चित रूप से हमारी सरकार उसको पूरा करेगी। सर मेरा नाम ऐश्वर्य प्रधान है। एक सेकंड ऐश्वर्य जी पहले। सर मेरा नाम हरि सिंह राज, इसी शहर में ताज होटल में पिछली गवर्नमेंट ने एक रोड शो किया था, जिसमें सिर्फ मुंबई शहर से 1,94,950 करोड़ का पिछली सरकार में कितने हुए थे, मैंने एक जयपुर में भी कहा, क्योंकि मैं एक किसान का बेटा हूं और किसान पर व्यापारी कितना भरोसा करता है ये आप जानते हो। बोई में भरोसा देने के लिए आया, आप निश्चित रूप से मानिए जितने होंगे पूरे के पूरे उनको राजस्थान में उतारने का काम करें। सर पहले रिसर्जेंट राजस्थान आपकी सरकार में ही हुआ था, भाजपा सरकार थी, फिर उसके बाद कांग्रेस सरकार आई, आपने कहा मैं किसान का बेटा हूँ, पिछली बार जादूगर थे, मंत्री थे, और अब आप हैं। अमूमन कोई भी सरकार होती है कि पिछली सरकार ने अव्यवस्थाएं की, वित्तीय कुप्रबंधन, इस तरीके की कई चीजें आती है सामने, तो आपने शुरुआत यहाँ से की है। पिछली सरकार का सवाल भी इन्होंने पूछा जो अशोक गहलोत सरकार थी, तो वहां से उनमें और आप में क्या अंतर आप पाते हैं, क्योंकि एक तरफ जादूगर दूसरी तरफ किसान कुछ। देखिए दो बात मेरे समझ में आती है, दृढ़ शिक्षा, दृढ़ इच्छा शक्ति। कोई भी काम बड़ा नहीं होता है, उसको पूरा करने में आपकी इच्छा शक्ति कितनी मजबूत है ये इस पर निर्भर करता है। ईमानदारी उस कि जितने भी निवेश आएंगे उनको पूरा उतारने का काम करेंगे, क्योंकि व्यक्ति की दृढ़ इच्छा शक्ति अगर मजबूत होती है, सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति मजबूत होती है। एक मिनट में बीच में बोलना चाह रहा हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम काफी व्यस्त है, इसलिए बस अभी लास्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, अभी से उनकी और कई सारी मीटिंग्स है, सो काइंडली बेयर विद अस, वी आर टेकिंग दिस लास्ट क्वेश्चन। ये लास्ट प्रश्न से पहले एक मिनट,
लास्ट वन से पहले एक दैनिक भास्कर